और सेफ्टी सबसे अहम इशू हमारे लिए आज है, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे ना ये सब स्लम एरिया से आते हैं, और स्लम एरिया का जो आज की जो कंडीशंस हैं, अभी को एक महीना पहले हम लोगों ने एक रैली निकाला हुआ था ड्रग्स के खिलाफ, और हमारे पूरे 3,000 बच्चों को लेकर हमने पूरे भिवंडी का एक कॉरपोरेशन ऑफिस से लेकर जितने ड्रग्स जहाँ जहाँ बिकते पुलिस के साथ हम वहाँ पर गए, और फिर वहाँ पर हम लोगों ने इंडिकेट किया कि सर देखिए यहाँ पर ड्रग्स बिकती है, और फिर हम लोगों ने उनको लेटर दिया। तो जब भी मालूम पड़ता है कि हमारे स्कूल का कोई भी बच्चा अगर ऐसे बच्चों के भी साथ रह रहे हैं जो गुटखा खाते हैं या जो किसी भी किस्म का नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं, तो हम बहुत सख्त एक्शन लेते हैं उनके ऊपर। क्योंकि जो रिक्शे वाले लेकर आते हैं, हम उनका नंबर रखे, हमने तमाम रिक्शे वालों का हमारे पास नंबर है, हम तमाम रिक्शे वालों का आई कार्ड रखा, उनका आधार कार्ड हमने मंगा के रखा हुआ है। जब भी हमको ऐसा लगता है कि हमारी कोई लड़की जैसे अगर समझो घर देर से पहुंची है या रिक्शे वाले ने लाया नहीं है या उनके साथ कोई छेड़खानी होती है, हम फौरन इमिजिएटली पुलिस बुलाते हैं। तो अक्सर 3 महीने में हम हमारे पेरेंट्स की मीटिंग लेते हैं, और पेरेंट्स से मीटिंग लेने के बाद उनसे पहले हम पूछते हैं कि भाई हमारे स्कूल के ताल्लुक से आपका क्या रुझान है, आप क्या सोचते हैं, और पेरेंट्स की जितनी प्रॉब्लम्स रहती है हम सॉल्व करते हैं। और रही बात गर्ल सेफ्टी के, तो देखो हमने इस साल RSP का एक कोर्स शुरू किया हुआ है, और ये मुझको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे अकबर सर हैं RSP के, हमने उनको ट्रेनिंग पर भेजा और उनको 2-स्टार वर्दी मिली पुलिस की, और 2-स्टार वर्दी मिलना हमारे स्कूल के लिए, हमारे लिए सबके लिए बहुत फख्र की बात थी। और CC कैमरे हमारे हर क्लास में लगे हुए हैं, हमारे पूरे कैंपस में 56 कैमरे लगे हुए हैं, मतलब पूरे कॉरिडोर में, हर क्लास में, और जितने भी हमारे एक्स्ट्रा रूम्स है सब में हमने CC कैमरा लगाया हुआ है, और कुछ भी ऐसा होता है तो हम फौरन कैमरे से उसको पकड़ते हैं। अच्छे जैसे जो ड्रग्स बेचता है या जो गुटखे बेचते हैं पीछे दुकानें हैं, हमने लाखों उनको कहा हुआ, पुलिस में कंप्लेंट लेटर दिया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अब उसमें हमको प्रॉब्लम आ रही है कि पीछे अतराफ में अगर कोई दुकान है जहाँ पर सिगरेट गुटखा बिकता है, कैंपस के 100 मीटर के अंदर हमने कंप्लेंट किया हुआ है, उसके बावजूद अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती है तो वो हमको तकलीफ आती है ना मैडम।